नमस्कार दोस्तों, ओनली सेंचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने जो कहानी चल रही थी, यानी कहानी दोस्तों एलियन हैंड का, और उसमें जाहिर सी बात है कहानी जो चल रहा है दोस्तों वह चांदनी का। चांदनी आप तो जानते ही हैं कि चांदनी जो है एक बकरी का नाम है, और ये बकरी का क्या कारनामा है आप एक स्टोरी के रूप में, और ये देखिए एनसीईआरटी का बुक है। जाहिर सी बात है जिनको पढ़ने नहीं आता वो पढ़ना सीख सकते हैं, और समझना और लिखना भी। तो चलिए, हाउ टू रीड इस है ना, हाउ टू रीड इंग्लिश, हाउ टू रीड करेक्टली, या कैसे सही सही वर्ड्स पढ़े, इस पे फोकस रहना चाहिए। और साथ ही समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश को अपने करीब जितना करेंगे, यानी हर जगह आप इंग्लिश को अपने साथ जोड़ेंगे तो वो आपको आगे बढ़ेगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए। अगर इंग्लिश नहीं आता तो ठीक है, आपका जीवन चलेगा, लेकिन इंग्लिश आता है तो आपका जीवन बहुत ही सरलता से और अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए सबसे पहले उसको कुछ बात जो है समझने का तरीका आपको पूछूं। ये जो है यही है एक बूढ़ा भेड़िया है, ओल्ड भेड़िया, और ये जो है कुछ बकरियां हैं, क्योंकि बार बार जो है इसके चंगुल में फंस जा रही है। और देखिए यहाँ पर एक अबू खान है, ये अबू खान जो है बहुत वृद्ध हो गए हैं। लास्ट में बहुत सारी बकरियां जैसे कि मुंगिया, गुजरी, कलुआ वगैरह बकरियां थी जो कि जा चुकी थी, इनके इनका हाथ छोड़कर जा चुकी थी, और मतलब भेड़ियों के हाथ लग गई थी। तो अब ये बकरी है, इस बकरी का नाम ही दोस्तों जो है चांदनी। कई सालों से ये बकरी भी अपना जो है ये कहानी बातचीत का क्रम है, कहानी में बातचीत चलते रहता है, और इस कहानी के माध्यम से, हालांकि ये बकरी भी अपना बात जो है बोलती है इस कहानी में, अपना जो है एक्सप्रेशन जो अभिव्यक्ति है वो बयां करती है। तो क्रम यही है, लास्ट में यही जो बकरी कई साल के बाद जो इनको लगता है, बकरी को लगता है कि क्यों ना ये जो है पहाड़ी उसकी मजा लिया, उसका मतलब मजा लिया जाए, उसका जो हवा है बहुत हरियाली है उसको देखा जाए। और लास्ट में जो बकरी जो है यानी चांदनी जो है भाग जाती है, भाग जाती है। कहानी का यही है, लेकिन आगे क्या होता है इसे हम लोग आज जानेंगे। लेकिन दोस्तों कहानी जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन आप सबसे पहले ये जानिए कि किससे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। जिनको नहीं पढ़ने आता वो पढ़िए, उनको पढ़ना सीखना होगा। देखिए जो है अगर अगर एक भी, जी हाँ दोस्तों, एक भी कोई पर्सन जो है अगर हमसे सीखते हैं, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और यही चैन जो है आप बढ़ाइए और दूसरे को जोड़िए, ठीक है। इस तरह से जो है बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, कई पर्सन सीख जाएंगे और कहीं ना कहीं है उनका जीवन बदलेगा। लिखना भी आना चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या एफर्ट लगाना चाहिए, वो मैं हमेशा बात करता हूँ। देखिए बात एक ही है, इंग्लिश पढ़ने का ही है, और जो टेक्स्ट है जो वर्ड्स है यहाँ चेंजेस हो रहे हैं। देखिए शुड शुड देखिए SHOULD शुड है। शुड जो है, अब भाई शुड बोलते हैं ऐसे स होता है, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। ये शुड लिख दिया, शुड लिख दिया, तो भाई एल जो है एल का क्या, इस एल का क्या होगा, एल का उच्चारण नहीं होगा, लेकिन इंग्लिश में एल लिखना होगा, इंग्लिश में एल लिखना होगा शुड में, चाहे कुड में, चाहे आपको वुड में, ये तीन वर्ड है इसमें ये एल साइलेंट हो जाता है। सी गो बैक, सी के को क्या बोलते हैं, बैक, ए को आई बोलते हैं, बी के साथ आई लगा तो बाय हो गया, बैक टू द सेफ्टी, ए के बाद ही है टी बाय टी हो गया, सेफ्टी ऑफ अबू खान्स, अबू खान्स हट, नो नो सी सेड टू हर सेल्फ, सी सेड टू हर सेल्फ। अब यहाँ देखिए डेथ लिखा हुआ है इन एंड ओपन, ENN है, पी लगा पेन, ओपन है ना, तो सी सेड टू हर सेल्फ डेथ इन एन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन लाइफ इन एन स्मॉल हट। द वुल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रीडली एट चांदनी, हिज आईज वर शाइनिंग शाइनिंग। देखिए इंग जो है ये लिखिए, आई को यहाँ पर आई बोला गया, आई, ठीक है, आई बोला गया, इसलिए साई हो गया, ऐसे चाय को साई पढ़ेंगे, और एन लग गया और एन में आई नहीं जुड़ गया, शाइनिंग शाइनिंग लाइक बर्निंग बर्निंग कोस इन द डार्कनेस, कोस इन द डार्कनेस ही सिम्ड इन नो हरी हरी, ही न्यू, ई डब्ल्यू यू बोलते हैं, तो ये यू जो है सिर्फ एन 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 यानी इनको ना बोलेंगे, ना का जुड़ता है, तो
और के साइलेंट होगा। ही न्यू द अब ये देखिए भी न्यू, इसको भी न्यू पढ़ा, इसको भी न्यू पढ़ा, चारों तरीक आया न्यू, यही पढ़ा, यही न्यू है यहाँ भी और यही न्यू यहाँ भी, दोनों न्यू ही है। लेकिन इस न्यू का मतलब होता है कि जाना, और इस मतलब जानना है ना, जैसे हम लोग जानकारी लेते हैं वो जानना, एक्शन वर्ड क्रिया वर्ड, और इस न्यू का मतलब होता है कि नया। तो ये देखिए न्यू गोट वॉज हिज, आगे देखिए द वल्फ, वल्फ एंड द गोट सीज्ड अप ईच, ई ये कोई बोलेंगे सीज कुछ ईच अदर, ईच अदर द वल्फ वॉज बिग एंड फेरोसियस, वो यूज़ कर फेरोसियस, वेयर एज फेरोसियस, वेयर एज द गोट थ्रो हेल्दी वॉज स्मॉल, बट स्मॉल इज नॉट वीक, चांदनी, चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, हेड स्लाइट, स्लाइट ये देखिए ली, स्लाइटली एंड वेंट बोलते हैं बी लगा वेंट, स्लाइटली वेंट एंड हॉर्न्स जुटिंग है ना, जुटिंग आउट सी वॉज ए पिक्चर, टी वाली क्वेश्चन बोलते हैं पिक्चर ऑफ करेज, करेज करेज, ए जी को एज बोलते हैं, देखिए ए जी ई को एज बोलते हैं, ए जो आर में लगा तो आर को रा पढ़ेंगे, तो रेज करेज, सी लुक्ड, सी लुक्ड लाइक, आई क्वेश्चन आई लाइक ए ब्रेव, एक के बाद ई है तो ब्रेव सोल्ड, अब कुछ लोग बोले सोल्डियर क्यों ना पढ़ दें, सोल्डियर नहीं, सोल्डियर पढ़ सकते हैं क्या बताइए, एस ओ एल डी आई आर को सोल्डियर पढ़ सकते हैं क्या, बोलिए सोल्डियर पढ़ेंगे क्या, सोल्डियर कितने लोग का दिमाग चल रहा है कि भाई हाँ एस ओ एल डी आई आर को सोल्डियर पढ़ सकते हैं, क्योंकि ई आर को तो पढ़ते हैं हम, मैंने ही बताया आपको कई जगह आर, तो क्या एस ओ एल डी को सोल्डियर पढ़ते हैं क्या, अब एस ओ एल डी के साथ आई आर है तो सोल्डियर नहीं होगा क्या, तो अगर ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होगा तो एकदम बिल्कुल नहीं होगा, गलत है, इसको सोल्जर पढ़ेंगे, सोल्जर, क्योंकि डी जो है डी का उच्चारण ज के रूप में हो रहा है, ठीक है, वाई का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, लेकिन अर अर है, यानी डी आई जो है ये डी आई के लिए ज उच्चारण हुआ, अब समझ लीजिए, अब अंतर देखिए एस वेल सोल ज र सोल्जर, क्योंकि ए आर को तौर पर सोल्जर, अब सोल्जर हो गया ना, सोल्जर रेडी टू फाइट, आई जी एस टी फाइट बोलते हैं, आईट एफ के साथ है तो फाइट हो गया, तो सोल्जर रेडी टू फाइट ए ट्रिच, ट्रिचेरस, चेरस रस वो इसको बोलते हैं ट्रिचेरस एनिमी, एनिमी एनिमी, आई मस्ट पुट अप ए गुड फाइट, चांदनी फाउट सक्सेस, सी डबल एस को सक्सेस बोलते हैं, सक्सेस और फेलुअर, फेलुअर इज ए मैटर, फेलुअर इज ए मैटर ऑफ लक और चांसेस, चांस। दोस्तों ऐसे देखिए ऐसे ही इंग्लिश पढ़ना है, अगर आप दो चार वीडियो भी देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वर्ड्स में, देखिए क्योंकि वर्ड्स तो लाखों है ना, लाखों वर्ड्स है यानी मिलियंस वर्ड्स है, और अगर आप मिलियन वर्ड्स को, जाहिर सी बात है आप सोचेंगे कि एक दिन में हो जाए तो होने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि सारे वर्ड्स पे आपको फोकस करना, लेकिन एक तरीका है जिसको फॉलो करके आप समझ जाएंगे कि हाँ वाकई में इसे इस तरह से आसानी से पढ़ा जा सकता है, उसकी चर्चा मैं अभी जस्ट करूँगा, इस कहानी को शुरू करके इस कहानी को समाप्त करके फिर यानी कि जो कहानी भी चलेगी, एक्चुअली कहानी भी चल रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, कहानी भी मतलब बता रहा हूँ आपको जानते हैं, तो इस कहानी के बाद आपको मैं बताऊँगा, जो कि हमेशा वही बात है किस तरह से मैं तरीका ढूंढ लिया जाए पढ़ने का इसे हो सकता है, और ये बदलने वाला नहीं है, लाख अगर उस तरीके को आप रोज देखिए 10 साल मतलब नर्सरी से लोग पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है नर्सरी से स्टार्ट करते हैं, मैं बताता हूँ कैसे, अभी देखिए जैसे इसको पहले हटा लेते हैं, देखिए इसे नर्सरी से स्टार्ट करते हैं, बच्चे लोग जब स्कूल में जाते हैं, मान लीजिए कि नर्सरी से गए है ना, प्ले स्कूल जाते हैं, सॉरी प्ले जाते हैं, अब जाहिर सी बात है लोग सोचते हैं कि प्ले स्कूल में गया बच्चा मेरा स्मार्ट हो गया, ठीक है, अब देखिए प्ले स्कूल वाले क्या करते हैं, प्ले स्कूल वाले बेवकूफ़ बनाते हैं, फूल बनाते हैं बच्चों लोग को, ठीक है एक्चुअली गार्जियन को फूल बनाते हैं, और हम गार्जियन जो है, ठीक है हम जो आप और मैं हूँ,
ये मूर्ख किस तरह से बनते हैं कि अपनी जिम्मेवारी को, जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो स्कूल पे डिपेंड, मतलब स्कूल को दे देते हैं कि भैया मेरा जो है प्रोडक्ट तैयार हो जाना चाहिए बहुत अच्छे तरह से, ठीक है, स्मार्ट प्रोडक्ट बनना चाहिए, हर चीज में एक्टिविटी आना चाहिए। अब वो क्या करता है, छोटा हो स्कूल, बड़ा हो प्ले स्कूल, अपने क्षमता के अनुसार बच्चे को एकदम लगता है कि भाई इसको कर दिया। अब बच्चे के पास क्या रहता है, प्ले स्कूल में टॉयज रहते हैं, ठीक है, टॉयज रहता है, प्लस एक्टिविटी होती है, ठीक है, एक्टिविटी होती है, ये होती है, ये जैसे एक्स्ट्रा है। और बच्चा, भाई बच्चा क्या करता है, बच्चा इन्हीं टॉयज एक्टिविटी को देखकर, क्योंकि घर पर ये चीज नहीं है, घर पर ये चीज नहीं है, क्योंकि जो हम गार्जियन है वो एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, है, टॉयज नहीं ला रहे हैं, बुक्स नहीं ला रहे हैं, वीडियोस नहीं देखने दे रहे हैं, है, तो बच्चों को क्या हो जा रहा है, आज भी आप स्कूल में जाएं, अच्छे अच्छे स्कूल में जाएं, स्मार्ट क्लास चल रहा है, ठीक है, स्मार्ट क्लास चल रहा है, स्मार्ट क्लास के नाम पे क्या हो रहा है, बच्चों को जो है राइम्स टीचर अब नहीं बोल रही है, बच्चों को राइम्स टीचर ना बोल के उसमें चलाकर बस करी कि बच्चों बोलो, तरीका हो गया। अब यही चीज आप घर में करेंगे तो भाई ज्यादा बच्चों को मोबाइल नहीं देखना चाहिए, अरे दिखाइए उतना जितना काम चले, जितना जिससे कोई बच्चा सीख सके, आप अपने व्यवहार में लाइए उसको सीखने के लिए। तो खैर ये बात तो है, लेकिन करना क्या होता है, जैसे बच्चा हमारे शुरू से इंग्लिश से टचअप में आ गया, टच कर गया इंग्लिश को लेकर, और ये इंग्लिश जो है आपके मतलब स्कूल के बोल चाल है ना, बिहेवियर में भी तो बच्चा भी उसी तरह सीख रहा है। अगर स्कूल से बच्चा गलत भी सीख रहा है ना, आप उसे सही बोलेंगे तो क्या बच्चा कहेगा नहीं मेरी टीचर ने ऐसे ही सिखाया, तो वो ऐसे ही बोलेगा, तो एक वो है। लेकिन अब देखिए प्ले हो गया, प्ले स्कूल हो गया, प्ले के बाद नर्सरी हो जाता है, नर्सरी के बाद LKG, उसके बाद है तो UKG, UKG के बाद देखिए 1, 1 के बाद 2, 3, 4, सॉरी 4, 5 तक आते थे, बच्चा जो है हर एक दिन कुछ ना कुछ तो सीख रहा है, लिख रहा है, लिखते लिखते जो है, क्योंकि उन लोग को तो बताया भी नहीं जा रहा है ना कि भाई, बस ये बताया जा रहा है कि A to Z होते हैं, कुछ नहीं बताया रहा है, लेकिन उनको सिर्फ ये बताया जाता है कि भाई लिख दीजिए, बच्चे को लिखते हैं कि ONE, अब देखिए ये 1 है, ये 1 है, बस प्रैक्टिस, ये तो प्रैक्टिस के थ्रू जो है उनको तैयार किया जा रहा है। और ताउम्र भूस 10 10 साल तक जो है सीखते रहते हैं, 10 साल में कुछ बच्चा तेज हो जाता है, कुछ बच्चा औसत, कुछ बच्चा धीमे में रहता है, लेकिन सीखता तो इंग्लिश में, उसको हिंदी कहेगा तो नहीं, क्योंकि वो हिंदी से काफी तक दूर हो जाता है। हम लोग गार्जियन, हम लोग को भी चाहिए कि भाई इंग्लिश में सीखे, जाहिर सी बात, लेकिन उनका क्या है, जो ये इंग्लिश मीडियम को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, वो इंग्लिश कैसे सीखे, वो क्या करना चाहिए, क्या स्कूल की तरह ही करना चाहिए क्या, एकदम बिल्कुल नहीं, कुछ एक शॉर्टकट तरीका है उसको, जैसे मैं बताता हूँ उस तरीके का, हमारे वीडियो का हाफ पार्ट जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन आप कितने लोग उसे ध्यान सुनते समझते हैं, इस बात को समझिए अपने आप को। देखिए ये वीडियोस मैं हमेशा जो हिंदी माध्यम से जिन्होंने पढ़ाई किया है, ठीक है, हिंदी माध्यम से, जो कि मैंने भी हिंदी माध्यम से पढ़ाई किया था, तो जो हिंदी मीडियम है, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, और या जो अब जो है या कभी उन्होंने पढ़ा नहीं, या फिर अपने कैरियर को लेकर, या तो कैरियर को लेकर बढ़ाना है, तो उनको इंग्लिश चाहिए, अपने व्यवहार में चाहिए। देखिए जो गर्ल्स होती हैं, ठीक है, गर्ल्स होती हैं, या वुमेन होती है, ठीक है, वुमेन है, उनको भी चाहिए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, तो करना क्या हो, इंग्लिश को सीखना होगा। अगर इंग्लिश सीखना, देखिए अगर आप पढ़ते हैं अच्छे से, आप देखिए दूसरे से ज़्यादा आपको वैल्यू है, अगर आप लिखते हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप लिखते हैं तो भी वैल्यू है ज़्यादा आपको, ठीक है, दूसरे से ज़्यादा आपको वैल्यू मिलेगा। अगर आप बोल लेते हैं ना, अगर आप बोल लेते हैं तो और वैल्यू, देखिए कितना वैल्यू बढ़ जाता है। तो लिखना सिर्फ आंसर नहीं, लिखने का, अब लिखने भी आगे बहुत सारा चीज है, लेकिन कम से कम बेसिक चीज जो लिखना है समझना आपको बहुत जरूरी है, तो ये चीज, ये बहुत जरूरी है। अब इसको ये छोटा सा बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर किसी भाषा में आप सिर्फ लिखते हैं ना, लिखते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन भर जो है ये लिखने वाला काम आ सकता है आपकी जॉब के लिए। अगर बोलते हैं ना तो भी बेस्ट है, क्योंकि आप अगर अच्छा वक्ता है तो जाहिर सी बात है, पढ़ने को लेकर तो आप समझ सकते हैं कि ये अपना निजी चीज हो सकता है, लेकिन लिखना
और जो है बोलना, ये दूसरे के भी काम जो है आते रहता है। दोस्तों यहाँ देखिए स्टोरी पे आते हैं हम लोग, स्टोरी को समझते हैं, कहानी को समझते हैं। कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। शुड सी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबूज हट क्वेश्चन मार्क्स है, यानी कि क्या उसे अबू खान की झोपड़ी की सुरक्षा में वापस जाना चाहिए? नो, नहीं। सी सेड टू हर, उसने खुद से कहा, मतलब खुद से बात कर रही है। सी सेड टू हर सेल्फ, हर सेल्फ मतलब खुद से बात कर रही है। डेथ इन एन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन लाइफ इन एन स्मॉल हट। तो बकरी ने खुद से कहा कि एक खुले मैदान में मौत एक छोटी सी झोपड़ी में रहने से कहीं बेहतर है, यानी कि वो आजादी चाहिए था उसको। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, देन जो है, ये देन जो है ये कंपैरिजन वाला वर्ड है, बेटर देन, ठीक है। डेथ इन एन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन, ये जो है कंपैरिजन मतलब तुलना करता है, देन लाइफ इन अ स्मॉल हट। द वुल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस एंड वॉज स्टारिंग ग्रीडी ग्रीडली एट चांदनी। भेड़िया झाड़ियों से बाहर आ गया था और लालच से चांदनी को घूर रहा था। हिज आईज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल्स इन द डार्कनेस, उसकी आंखें अंधेरे में जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थी, ठीक है। ही सिम्ड इन नो हरी, ही न्यू द न्यू गॉड वॉज हिज, उसे कोई जल्दी नहीं लग रही थी, मतलब वो आराम से, वह जानता था कि नई बकरी इसकी ही है, वो समझ गया कि अब ये जाएगी कहाँ। अब आगे देखिए, द वुल्फ एंड सी गोट सीज्ड अप ईच अदर, भेड़िया और बकरी एक दूसरे को नाप रहे थे। द वुल्फ वॉज बिग एंड फेरोसियस वेयर एज द गोट दो हेल्दी वॉज स्मॉल। देखिए भेड़िया बड़ा और खूंखार था, जबकि बकरी स्वस्थ होते हुए भी छोटी थी। बट किंतु स्मॉल इज नॉट बिग, लेकिन छोटा होना कमजोर नहीं होता। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग, हेड स्लाइटली बेंट एंड हॉर्न जूटिंग आउट, ठीक है। चांदनी अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी थी, सिर थोड़ा झुका हुआ था और सींग बाहर निकले हुए थे। सी वॉज अ पिक्चर्स ऑफ करेज, ठीक है, वह साहस की प्रतिमूर्ति थी। तो आप इस सेंटेंस को याद रखिएगा, सी कि साहस की वह प्रतिमूर्ति था या वह साहस का प्रतिमूर्ति है। तो अगर बोलना है लड़का हो लड़की हो, अगर लड़की है तो सी लगा देंगे, लड़का है तो ही लगा देंगे, या कोई किसी का नाम भी लिख सकते हैं। तो भले सी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज, या ही वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज, या ही इज अ पिक्चर ऑफ करेज, या सी इज अ पिक्चर ऑफ करेज, यानी वह ये वह पिक्चर की मतलब क्या बोलते हैं, साहस की प्रतिमूर्ति है थी, है ना, इस तरह से। या कह सकते किसी का नाम देखे, राहुल, राहुल इज अ पिक्चर ऑफ करेज, राहुल जो है साहस की प्रतिमूर्ति है। खैर आगे देखिए, सी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट एंड ट्रेचरस एनिमी, ठीक है, वह एक बहादुर सैनिक की तरह दिख रही थी जो विश्वासघाती दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार थी। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, मुझे अच्छी लड़ाई लड़नी चाहिए। मतलब कि चांदनी थॉट, चांदनी ने सोचा मुझे अच्छी लड़ाई लड़नी चाहिए। सक्सेस और फेलियर इज अ मैटर ऑफ लक और चांस, देखिए ये सेंटेंस को आप याद रखिए कि सफलता भाग्य या संयोग की बात है, ये बकरी का सोच है, अपना अपना सोच। दोस्तों ये आपको समझना होगा इस बात को, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के आप समझ रहे हैं कि क्या। अब मैंने जो बात बोला शॉर्टकट तरीका के बारे में, क्या कुछ करना चाहिए, तो थोड़ा सा एक झलक दिखाता हूँ, जाके बाकी तो आप जानते ही है क्या करना है।
दोस्तों ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट है और ये कॉन्सोनेंट तो आप देख ही रहे हैं, इनके अंदर जो उच्चारण होते हैं ना ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है और इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है, यही यही आपका जो है सबसे आगे बात बढ़ाएगा। दूसरा जो है ये वोवेल, जितने सारे आप अभी देखेंगे यहाँ पर स्लाइड में जो आ रहे हैं वोवेल, ये वोवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये फर्स्ट डे का है, क्योंकि समय हो गया है, अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग चर्चा में करेंगे, क्योंकि बात आगे बढ़ गई थी कैसे पढ़ना है उसकी चर्चा पहले कर ले गया जाएगा, और उसके बाद मतलब इसकी चर्चा अगले वीडियो में जरूर आप देखेंगे या हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो आपको जैसा भी लगा हो लेकिन यहाँ तक पहुंचे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं, बाकी सब आपकी बुद्धिमत्ता पर। धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।